नाउ लेट्स डिस्कस द लैक्टोपेरोन. ओके, लैक्टोज, लैक्टोपेरोन की बात करते हैं. हमने डिस्कस करी थी ओपेरोन सिस्टम की, ठीक है. तो ओपेरोन सिस्टम को समझने के लिए हमें एक प्रोटीन को और समझना होगा, उसके सिस्टम को और समझना होगा कि कैसे ये ओपेरोन के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, ठीक है. लैक्टोपेरोन देखते हैं. लैक्टोपेरोन ऑफ ई कोलाई वॉज द फर्स्ट ओपेरोन टू बी डिस्कवर्ड. फर्स्ट ओपेरोन था जिसको डिस्कवर किया था लैक्टोपेरोन को. लैक्टोपेरोन नाम कहाँ से आया है? नेम्ड आफ्टर लैक्टोज, ठीक है. ये लैक्टोपेरोन लैक मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है. लैक्टोज की फॉर्मेशन, ठीक है. लैक्टोज सेल में फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो कब फॉर्म होगा, कब फॉर्म नहीं होगा, वो हम इसमें देखेंगे, इस ओपेरोन सिस्टम से उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन विच कोड फॉर थ्री एंजाइम्स इन्वॉल्व इन लैक्टोज फर्मेंटेशन. लैक्टोज के फर्मेंटेशन में तीन एंजाइम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तीन एंजाइम्स जो कि कोड होते हैं तीन जीन से, ठीक है. थ्री जीन से कोड होते हैं. वो क्या क्या होते हैं, देखिए. जीन्स, जीन होते हैं लैक जेड, लैक वाई और लैक ए. कंटिन्यूस सीरीज में है, ठीक है. यही ट्रांसक्रिप्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, तीन एंजाइम कौन सा, जो कि तीन जीन डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइटेज, लैक वाई परमीएज और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम इनको फॉर्म करते हैं, ठीक है. और ये तीनों के तीनों क्या फॉर्म बनाते हैं, लैक्टोज मीडियम बनाते हैं, ठीक है. लैक्टोज, फिर लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक प्रोटीन है, ठीक है. तो देखिए फिर उस पार्ट देखते हैं इसके. पहले ओपेरोन सिस्टम की, लैक्टोज लैक ओपेरोन सिस्टम के पार्ट देखते हैं. पार्ट क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट जीन कंस्टिट्यूटिंग द लैक ओपेरोन. कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीन है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट रेगुलेटरी जीन, हम डिस्कस कर चुके हैं. आई जीन से डिनोट करते हैं, इसको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग इनिशिएटिंग वाला, ठीक है. कोड फॉर रिप्रेसर, ये किसको कोड करता है, रिप्रेसर को कोड करता है, ठीक है. जो कि प्रोसेस को रिप्रेस कर रहता है, ठीक है, स्टॉप कर रहता है. स्ट्रक्चरल जीन, तीन जीन होते हैं इसमें, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए. लैक मीन्स लैक्टोज, ओके. हम थ्री डिजिट्स से शो करते हैं, ठीक है. लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, तीनों के तीनों क्या करते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड को क्या करते हैं, यहाँ पे कोड करते हैं. प्रोमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन एंड ऑपरेटर रीजन, ओके. आई फॉर रेगुलेटर जीन, ओके. अब ये तीनों के तीनों जब हमें डीएनए की स्ट्रैंड, ये दोनों मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रखी है, ये है डीएनए की स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, ओके. अब देखिए कि ये एक ओपेरोन सिस्टम है, लैक्टोज ओपेरोन सिस्टम यहाँ पे आपको शो कर रखा है. आई जीन जो है वो रेगुलेटरी जीन है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑल टाइम क्या, रिप्रेसर को. और रिप्रेसर का क्या होता है, ऑपरेटर पे जाकर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है. और ये प्रोसेस जो होती है आगे को, ये जीन जो है ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता है, ठीक है, स्टॉप होती है प्रोसेस. जब ये ट्रांसक्रिप्ट होती है तो क्या फॉर्म होगी, mRNA फॉर्म होगी. और mRNA से फिर क्या फॉर्म होंगे, पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म होगी, मतलब इन एंजाइम्स की क्या होगी, चेन फॉर्म होगी. और यही क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, लैक्टोज को फॉर्म करेंगे, ओके. लैक्टोज हम बात कर रहे हैं अभी इस ओपेरोन सिस्टम में, ठीक है. अब लैक ओपेरोन को फंक्शन में बात करते हैं कि फंक्शनिंग कब होगा, ठीक है. देखते हैं फंक्शन उसका. रिप्रेसर इज सिंथेसाइज बाय आई जीन ऑल द टाइम. रिप्रेसर जो होता है वो आई जीन से ऑल द टाइम क्या होगा, यहां से बाइंड होगा, ठीक है. ये रिफ्रेशर मैंने यहाँ पर शो कर रखा आपको, रिफ्रेशर ब्लैक कलर से, ठीक है. ये ऑल द टाइम कहाँ पे कनेक्टेड होगा, ऑपरेटर रीजन पे, यहाँ पे ऑल द टाइम कनेक्टेड होगा, ओके, रिप्रेसर, ठीक है. तो प्रोसेस क्या होगी, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर ऑफ लैक ओपेरोन. रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड रहेगा, ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रांसक्रिबिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. आरएनए पॉलीमरेज जो हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, वो नहीं आ पाएगा स्ट्रैंड पे, प्रमोटर रीजन पे, ठीक है. और वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी. वो क्या कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, कौन, रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि रेगुलेटरी जीन से सिक्रेट हो रहा है, ओके. लैक्टोज इज प्रोवाइडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ ई कोलाई इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज. अगर जब सेल में ग्लूकोज अब्सेंट होता है तो किसी लैक्टोज मीडियम में सेल को लैक्टोज प्रोवाइड कराता है. लैक्टोज कौन प्रोवाइड कराता है, देखिए, मीडियम से, ठीक है. मैं आपको एक ऐसे समझा दूं कि सपोज ये मीडियम है कोई, ठीक है,
ये लैक्टोज का मीडियम है ओके, और इसमें जो हो रही है वो ई कोलाई सेल है, ये ई कोलाई सेल है। सेल के अंदर ग्लूकोज अब्सेंट है ओके, सेल के अंदर क्या है ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज की अब्सेंट में मीडियम से, इस मीडियम से लैक्टोज को ठीक है सेल के अंदर परमीएज जो अमीनो एसिड है वो लाता है ठीक है, परमीएज ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू द सेल ओके। लैक्टोज को कहां पे ला रहा है, सेल के इनसाइड, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ला रहा है, परमीएज ट्रांसपोर्ट कर रहा है ठीक है लैक्टोज को इनटू द सेल। लैक्टोज एज अ इंड्यूसर, लैक्टोज क्या हो रहा है एक इंड्यूसर के तौर पे, एक इंड्यूसर प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है। लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर ओके, लैक्टोज क्या कर रहा है मीडियम से, यहां पर देखिए फिगर में लैक्टोज क्या कर रहा है मीडियम से, किसी मीडियम से आ रहा है और इस रिप्रेसर प्रोटीन में आकर क्या कर रहा है बाइंड कर दे रहा है। जब लैक्टोज रिप्रेसर से आकर के बाइंड होगा तो जो इसका स्ट्रक्चर है, रिप्रेसर का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा ठीक है। इसका रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे आएगा ओके, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे आया, यहां पे लिखा आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में लिख देता हूं ओके, आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन पे आएगा और इन जीन को क्या कर लेगा ट्रांसक्रिप्ट कर लेगा ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होने लगेगी, स्टार्ट होने लगेगी और यहाँ पे क्या फॉर्म होने लगेगा, एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होने लगेगा ओके, एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होने लगेगा ओके। देखिए लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, एक इंड्यूसर के तौर पे काम करता है लैक्टोज, लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर, रिप्रेसर पे जाकर के बाइंड कर दिया लैक्टोज ने, रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो यहाँ पे इनएक्टिवेटेड हो गया है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे प्रमोटर पे आकर के, प्रमोटर रीजन पे आकर के बाइंड होगा एंड कंटिन्यूज विद ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जो हो जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, जो जीन है लैक जेड लैक वाई और लैक ए क्या होने लगेगी, ट्रांसक्रिप्ट होने लगेगी, एमआरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होने लगेगी ओके। एमआरएनए होगी तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज ये प्रोटीन फॉर्म होंगे, मतलब लैक्टोज ये तीनों मिलाकर क्या फॉर्म करेंगे, लैक्टोज बनाएंगे ठीक है, लैक्टोज फॉर्म होगा ठीक है लैक्टोज। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस, एंजाइम की सिंथेसिस होने लगेगी, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प करता है किसमें, हाइड्रोलाइसिस के, किसके लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस के इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोसाइडेज में इसको क्या कर लेता है कन्वर्ट कर लेता है। व्हेन नो लैक्टोज प्रेजेंट अ रिप्रेसर अगेन बाइंड टू ऑपरेटर, जब कोई भी लैक्टोज वहां पे बाइंड, कोई भी लैक्टोज मीडियम सेल के अंदर नहीं होता है ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रिप्रेसर था ये यहां से क्या हो जाता है बाइंड होने से हट जाता है, यहां से बच जाता है, रिमूव हो जाता है सॉरी ठीक है लैक्टोज, और यहां पे जो रिप्रेसर था वो अगेन क्या हो जाता है यहां ऑपरेटर पे रीजन पे आकर के बाइंड हो जाता है ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है, आगे ट्रांसक्रिप्शन जो ये जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्ट होना स्टॉप हो जाता है, एमआरएनए स्टॉप हो जाता है, फॉर्मेशन होना स्टॉप हो जाता है एंड आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक्ड ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज जिसे जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था वो प्रोसेस क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ओके। तो ये था ओपेरॉन लैक ओपेरॉन सिस्टम कि वो कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे समझा। रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑल द टाइम रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करता है रिलीज करता है, जो कि ऑपरेटर रीजन पर जाकर के क्या रहता है बाइंड रहता है इकोलाई सेल में ठीक है। और लैक्टोज की जो जो जेनेटा जो जीन से जो फॉर्मेशन होती है वो स्टॉप होती है ओके। व्हेन इन द मीडियम ऑफ लैक्टोज ठीक है, लैक्टोज के मीडियम पे अगर सेल की में ग्लूकोज अब्सेंट होता है तो परमीएज एंजाइम क्या करता है मीडियम से लैक्टोज को इनसाइड द सेल तक लाता है, सेल के अंदर लाता है और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में क्या कर लेता है
बाइंड कर लेता है लैक्टोज इंड्यूजर, और रिप्रेसर को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर आकर के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे कि ये जो तीनों एंजाइम हैं ये फॉर्म होने लगते हैं, और यही एंजाइम क्या फॉर्म करने लगते हैं, लैक्टोज मीडियम को बनाने लगते हैं, जिसमें से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस कर देता है लैक्टोज का, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। और जैसे ही इस प्रोसेस इस सेल के अंदर लैक्टोज ओवर होता है, ख़त्म होता है, फिर से रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो ऑपरेटर पर जाकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था लैक ओपेरॉन फंक्शन, हमने स्टेप बाय स्टेप बात कर लिए विथ स्ट्रक्चर। ओके।